दोस्तों, क्या हमारा एड टेररिज्म को फंड कर रहा है? पता नहीं आपने कभी HDHA का नाम सुना है या नहीं, ह्यूमन डिजास्टर हेल्प एसोसिएशन। अगर नहीं सुना तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह आपको ग्लोबल एड के मोटिव्स पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकता है। ऑफिशियली नोन एज द डिजास्टर एड यूनियन, HDHA असल में 1987 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC के अंडर एक सोशल ग्रुप के रूप में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका एम था कि नेचुरल डिजास्टर्स या टेररिज्म के शिकार कंट्रीज और लोगों की मदद की जा सके। आज के वक्त में HDHA में 50 सदस्य देश हैं, और हाँ, इंडिया भी उनमें से एक है दोस्तों। हर साल HDHA एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, बिल्कुल UN की तरह, जहां प्राइमरी एजेंडा होता है फंड्स राइज करना मेंबर कंट्रीज से, जो फिर डिजास्टर रिलीफ के लिए यूज किया जाता है। ये फंड्स वैसे लोगों या नेशंस तक पहुंचने चाहिए जो सच में क्राइसिस में है। लेकिन एक ट्विस्ट है यहां, अगर मैं कहूं कि ये पैसा जो गुड फेथ में कलेक्ट किया जाता है, जरूरी नहीं कि वही लोगों तक पहुंचे जिनको सच में जरूरत है। दोस्तों, आइए अब इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पर बात करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि इंडिया HDHA को हर साल करीब $150 मिलियन डोनेट करता है, मतलब लगभग 1200 करोड़ रुपए। ये काफी बड़ी रकम सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि ऐसे लोगों तक मदद पहुंच सके जो सच में बड़े क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, पहले ये इनिशिएटिव काफी पॉजिटिव था। शुरुआत में HDHA का फंड सच में उन लोगों और कंट्रीज तक पहुंच रहा था जो जरूरत में थे। एक समय था जब कंट्रीज को इकोनॉमिक एड पैकेजेस और डायरेक्ट असिस्टेंस मिलता था। ट्रांसपेरेंसी की वजह से इंडिया और बाकी कंट्रीज भी खुशी खुशी कंट्रीब्यूट करती थीं। लेकिन दोस्तों, आज HDHA अपने असली आइडियल से दूर चला गया है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हुआ, वैसे वैसे इसके इश्यूज भी बढ़े, और इसके पीछे बड़ी वजह है कंट्रीज जैसे चाइना और USA, इन दोनों पावरफुल नेशंस के इन्फ्लुएंस के चलते दूसरे देशों ने भी उनका फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, असल में प्रॉब्लम क्या है? HDHA में कलेक्ट किए गए फंड्स जो डिजास्टर स्ट्रक कंट्रीज और लोगों की मदद के लिए हैं, अब सेलेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर गौर से देखें तो पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज को एड पैकेजेस ऑलमोस्ट तुरंत मिलते हैं, लेकिन जो सच में सफरिंग में हैं उनको भुला दिया जाता है। अफ्रीकन नेशंस का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, दक्षिण सूडान ब्रुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मोजाम्बिक, नाइजर, मलावी और लाइबेरिया। ये कंट्रीज लगातार चैलेंजेस फेस करती हैं, उनके लोग बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करते हैं, और वहां पर नेचुरल डिजास्टर्स भी कॉमन हैं। लेकिन फिर भी HDHA इन देशों को एड नहीं देता, क्योंकि इन्हें पूर और अंडर डेवलप्ड माना जाता है। दोस्तों, इसके बीच अमेरिका और चाइना जैसे बड़े देश उन कंट्रीज को पैसे देते हैं जो टेररिज्म को एक्टिवली प्रमोट करते हैं। जरा सोचिए, इस पर पाकिस्तान को हर साल $1 मिलियन का एड मिलता है, और वह भी अप्रत्यक्ष रूप से उन फंड से जो भारत जैसे देश कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। फंड्स का यह मिसयूज एक ऐसी चीज है जो इंडिया टॉलरेट नहीं कर सकता। दोस्तों, इस बायस्ड एड डिस्ट्रीब्यूशन से परेशान होकर इंडिया ने अब एक कदम उठाया है। इंडिया ने HDHA को फंड करने से मना कर दिया है जब तक कुछ टफ क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिलता। एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में HDHA के सेक्रेटरी ओलिविया स्मिथ को इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी डिमांड रखी है फुल ट्रांसपेरेंसी। जब तक इंडिया को अपने डोनेशंस का कंप्लीट अकाउंट नहीं मिलता और यह क्लियर नहीं होता कि कौन से देश को कितना फंड दिया जा रहा है, तब तक वो फर्दर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इंडिया का ये मानना है कि उसका भी हक है यह जानने का कि क्या उसका पैसा सच में डिजास्टर विक्टिम्स तक पहुंच रहा है या टेररिस्ट सपोर्टिंग एंटिटीज के हाथों में जा रहा है। दोस्तों, आखिर पाकिस्तान एक एड पैकेज खत्म भी नहीं करता और उसको अगले का अप्रूवल मिल जाता है, तो ये पैसा आखिर कहां जा रहा है? और HDHA किस तरीके से फंड्स को बिना अकाउंटेबिलिटी के एलोकेट कर रहा है? इंडिया के पास हर हक है क्लैरिटी डिमांड करने का। दोस्तों, ये सिर्फ नेशनल प्राइड का मामला नहीं है, ये टैक्सपेयर्स के पैसे को मिसयूज होने से रोकने का भी मामला है। कोई भी नहीं चाहता कि उनका हार्ड अर्न्ड पैसा ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या कंट्रीज को सपोर्ट करे जो उनके प्रिंसिपल्स या वैल्यूज के अगेंस्ट हो, और इस केस में इंडियन टैक्सपेयर्स के पैसे ऐसे नेशंस को सपोर्ट कर रहे हैं जो इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट। जरा सोचिए दोस्तों, अमेरिका और चाइना इतने जेनरस नहीं हैं
कि वो अपनी पॉकेट से पैसा डोनेट करके दूसरों की मदद करे। ये कंट्रीज स्ट्रेटेजिक हैं, कैलकुलेटिंग हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए ही एक्ट करती हैं। ये डोनेशन उनकी जेनरोसिटी का सिंबल नहीं है, ये उनके इन्फ्लुएंस को स्ट्रेंथन करने का एक तरीका है जहां उनका फायदा है। लेकिन इंडिया का एच DHA को दिया कॉन्ट्रीब्यूशन अलग था, एक ह्यूमैनिटेरियन ऑल्ट्रुइस्टिक पर्पस के लिए। और अब इंडिया HDHA के अनअकाउंटेबल ऑपरेशन से तंग आ चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बोल्ड मूव के बारे में जो इंडिया ने उठाया है? क्या आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी डिमांड करना जस्टिफाइड है, या HDHA को बिना सवाल किए कोऑपरेटिव एसोसिएशन की तरह फंड किया जाना चाहिए? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और चलिए इस पर डिस्कस करते हैं कि आइडियली एड कैसे मैनेज होना चाहिए। दोस्तों, तो ये है इंडिया का बोल्ड स्टैंड अगेंस्ट HDHA की अनअकाउंटेबल ऑपरेशंस के खिलाफ। सोचने वाली बात ये है कि क्या वास्तव में एड ऑर्गेनाइजेशंस को बिना सवाल किए फंड करना चाहिए, या फिर हमें ये जानने का हक है कि हमारे हार्ड अर्न्ड टैक्सेस का पैसा कहां और किसके लिए जा रहा है। आप भी सोचिए, क्या ये सही है कि हम उन देशों को मदद करें जो खुद टेररिज्म का समर्थन करते हैं और हमारे देश की सिक्योरिटी के खिलाफ काम करते हैं, या फिर हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर एक पैसा उन लोगों तक पहुंचे जो सच में सफरिंग में हैं, जिन्हें सच में उस एड की जरूरत है। दोस्तों, आज जब ग्लोबल पॉलिटिक्स इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, ट्रांसपेरेंसी की डिमांड एक जरूरी मुद्दा बन गई है। अमेरिका और चाइना जैसे देशों का इन्फ्लुएंस एड के डिस्ट्रीब्यूशन में ओपनली दिखाई देता है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को ही सबसे ज्यादा और सबसे पहले एड मिलती है। इंडिया जैसे देश जो सच में ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए डोनेट करते हैं, का हक है कि वे डिमांड करें कि एड का पूरा अकाउंट और यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड सामने रखा जाए। आखिर ये एक मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमारा पैसा उन लोगों के हाथों में न जाए जो ग्लोबल पीस के लिए खतरा है। आप ही सोचिए दोस्तों, क्या आपको ये उचित लगता है कि हम अपनी मेहनत की कमाई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को दें जो शायद उनके असली पर्पस से भटक चुके? क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि एड का हर रुपया उसी डायरेक्शन में जाए जिसके लिए वो इकट्ठा किया? डिजास्टर रिलीफ, न कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों के लिए इंडिया का स्टैंड ये दिखाता है कि वो अब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है और ट्रांसपेरेंसी की सख्त जरूरत है। इस पर आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि इंडिया का ये स्टेप जस्टिफाइड है, या एड के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन को फ्रीडम होनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें और बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या ये कदम भारत की सॉवरेंटी और सिक्योरिटी के लिए एक जरूरी स्टैंड है? हम इस मुद्दे पर आपके विचार जानना चाहेंगे। ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही जरूरी जानकारी आपके साथ साझा करते रहें। जय हिंद।